में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको मोदक बनाना सिखाने वाली हूँ, लेकिन वो भी एकदम अलग तरीके से। अब मोदक कैसे बनाना है ये हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए, वो गैस पर रखेंगे, गैस ऑन कर देते हैं। ये मेजरमेंट वाला कप है, इसमें 200 ml एक टाइम होता है, तो मैं ये 200 और हाफ 100 इतना पानी डालने वाली हूँ। पानी को जब उबाल आएगा तो उसमें हम एक एक मिक्स करते जाएंगे। अभी पानी को उबाल आ रहा है तो अभी इसमें ऐसे तो नॉर्मली शक्कर डालते हैं और कोई इसेंस डालते हैं या कलर फूड कलर डालते हैं, लेकिन मैं इसमें इसेंस या कलर नहीं डालने वाली हूँ। मैं इसमें एक कप ग्लूकोन डी डालने वाली हूँ, जिससे कलर भी आएगा और शुगर की अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको उबल आने तक हम जिलेटिन पाउडर मिक्स कर लेते हैं एक कटोरी में। 2 चम्मच जिलेटिन पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। अभी जो पानी को उबाल आ रहा है उसमें हम ये जिलेटिन पाउडर डाल देंगे और हिलाते रहेंगे कंटिन्यू। इसमें पूरा जिलेटिन मिक्स हो गया है और अगर आपको लगता है शक्कर थोड़ी सी कम है तो आप इसमें शक्कर ऑप्शनल है डाल सकते हैं। बस इसको 1-2 मिनट उबाल आने तक हमको पकाना है। इसको कंटिन्यू हिलाना है। अभी हमारी जेली तैयार हो गई है, हमें गैस बंद करके इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर उसको सेट होने के लिए रखना है। अभी ये थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद हम इसमें चेक करेंगे, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है तो ये जो मोल्ड है, ये मोल्ड जैसे चॉकलेट बनाने के मोल्ड रहते हैं वैसा ही ये मोल्ड है, ये मोदक वाला है, इसमें डालेंगे सेट होने के लिए। अभी हम इसको सेट होने के लिए डाल देंगे। हमने बहुत तरीके के मोदक खाए हैं, लेकिन ऐसे मोदक मुझे नहीं लगता किसी ने खाए होंगे। और ये मोदक ग्लूकोन-डी डालने की वजह से एनर्जी भी देते हैं। अब इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 20 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। जो हमने जेली डाली थी वो पूरी सेट हो गई है, अभी मैंने उसको निकाला है, अभी उसको हम निकालेंगे। पहले थोड़ा सा साइड निकाल के लेंगे तो वो पूरी बराबर निकलेगी, टूटेगी नहीं। थोड़े से हल्के हाथ से करना, ये टूट ना जाए। बस ये देखिए अपने मोदक कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने एक जेली का फूल भी बनाया है, हम जो चाहिए उस शेप में बना सकते हैं, लेकिन मोदक बहुत अच्छे लगते हैं। और मेन इसमें फूड कलर अगर डालते हैं तो उससे अच्छा हम ग्लूकोन-डी डालें, उससे टेस्ट भी और एनर्जी भी दोनों भी आती है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।